दोस्तों बिग बॉस ओटीटी लाइव फीड में दिव्या अग्रवाल को आ गया है रोना। जी हाँ दोस्तों, बता दूं, दरअसल अभी बिग बॉस ओटीटी लाइव फीड में जब सभी घर वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे और हालांकि कनेक्शन टूट गया है लेकिन कनेक्शन अभी भी एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, जिस बात को लेकर के दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं दिव्या अग्रवाल स्टार्टिंग से ही उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो वो सोलो हो चुकी हैं, स्टार्टिंग से ही उनको नहीं मिला पार्टनर, जिसके बाद जो है लोग अपने अपने ग्रुप और अपने अपने कनेक्शंस में बैठे हुए रहते हैं और उनके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि सुबह सुबह से भी वो परेशान है कि सुबह सुबह लोग उठते हैं और अपने अपने में मस्त हो जाते हैं, जब फन टाइम होता है तो वो मुझे इग्नोर करते हैं, जैसे ही काम का टाइम होता है लोग मुझे याद कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया घर के अंदर। मैं एक कन्वीनियंट का पात्र हो चुकी हूँ घर के अंदर, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये बातें वो राकेश से अभी शेयर करते हुए नज़र आ रही है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि उनके आंसू खुद ब खुद निकलते जा रहे हैं, वो बोलती जा रही है और आंसू निकलते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हर्टफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिव्या एक सोलो प्लेयर अच्छा गेम खेल रही हैं और कहीं ना कहीं ये बाहर ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है कि उनका गेम लोग बाहर अच्छा खासा पसंद कर रहे हैं, लोग ने उनकी तारीफ भी की है। अकेले खेलने वाले प्लेयर को वैसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, हमने पिछले सीजन्स को भी देखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यही उम्मीद करते हैं कि दिव्या बाउंस बैक करे। वहीं पर उन्होंने अक्षय को भी याद किया कि जो भी मेरे क्लोज आता जा रहा है वो घर के बाहर होता जा रहा है। दोस्तों आपका क्या इस पर रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को, देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसा